बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम फिज़िक्स के एमसीक्यू सैटरडे टेस्ट ऑनलाइन सीरीज़ ऑफ क्यूसीए की डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है सैटरडे टेस्ट में, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 125 नंबर क्वेश्चन के डीके कॉन्स्टेंट इज़ रिलेटेड विद हाफ लाइफ किस तरह। तो आपको रिलेशन याद होगा, डीके कॉन्स्टेंट इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। यहाँ से पता चलता है कि इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन मीन के ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें है रेडियोएक्टिव सैंपल 25% रह गया, तो बताओ कि कितना टाइम गुजर गया। तो हमेशा 100% से स्टार्ट लें, 100% से 50% तक एक हाफ लाइफ, 50% से 25% तक दूसरी हाफ लाइफ, लिहाजा 100 से 25 तक टोटल कितना टाइम लगेगा, डबल ऑफ टी लगेगा, एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 127 इन द टेस्ट, इसमें है कि अल्फा रेज कैन डैमेज ओवर स्किन, इट इज़ सोमेटिक इफेक्ट। डायरेक्ट डैमेजेस जो है, डायरेक्ट इफेक्ट सोमेटिक इफेक्ट होता है, और आने वाली नस्लों में जो प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होते हैं बिकॉज उसके पेरेंट्स और ग्रैंड फादर्स वगैरह ये लोग आबा व अजदाद अगर रेडिएशंस के ओशंस में रहते हैं तो उनकी आने वाली नस्लों में डिसेबिलिटीज़ वगैरह होती हैं, वो जेनेटिक होती हैं। इस वक्त डायरेक्ट स्किन बर्न जो है वो सोमेटिक इफेक्ट है, एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन टेस्ट इज सॉरी इन द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है, द वेवलेंथ ऑफ बाल्मर्स फर्स्ट लाइन इज। देखो, बाल्मर फर्स्ट लाइन हो जो भी हो, हम रेड ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, रेडबर्ग फार्मूला, 1/p² - 1/n². अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1/λ = रेडबर्ग कांस्टेंट, और इनके जगह क्या पुट करें, फॉर बाल्मर पी की जगह 2 आता है, तो 2 की जगह 1/4 बन जाएगा। फर्स्ट लाइन सेकेंड में थर्ड से आता है, तो ये 1/3² होगा। इट मीन 1/λ = रेडबर्ग कांस्टेंट, इसका एलसीएम ये 9 आएगा तो 36 बनता है, 36/4 तो ये 6, 9 - 4, तो इट मीन 1/λ = 5/36। सो 5/36 टाइम आर, या लेमडा लोगे तो ये 36/5 आर, जो कि गिवन ऑप्शंस में नहीं है, लिहाजा द करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ दीज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी। 128 में हमारे पास ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 129। सो सॉल्विंग 129, लेमन सीरीज लाइज इन विच रीजन। तो जनाब, आपको पता होगा कि लेमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है, अल्ट्रा वायलेट। बाकी बाल्मर जो है वो विजिबल में है, और बाकी जो है वो इंफ्रारेड में है, लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज अल्ट्रावायलेट। 129 में ए आता है। नेक्स्ट हमारे पास 130, क्वेश्चन नंबर 130 में है कि एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर आता है, कहाँ से, स्टेफन्स लॉ है। अकॉर्डिंग टू स्टेफन्स लॉ, द एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज सिग्मा टाइम्स टी का पावर 4। इट मीन इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर because sigma is a Stefan's constant, so the correct option is option A. Next question 131, when light enters from vacuum of a medium its speed will be, vacuum mein speed of light c hai, baki medium mein speed of light hamesha c se kam hota hai, to less than c, 131 mein aata hai less than c, and hence the correct answer is option B. 131 में ऑप्शन डी ठीक है। 132, इसमें क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए कम से कम एक डायोड चाहिए, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए एटलीस्ट 2 डायोड चाहिए। फुल वेव रेक्टिफिकेशन 4 से भी होता है, लेकिन उन्हें मैक्सिमम नहीं, मिनिमम पूछा, 2 से कम डायोड से आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, तो इट मीन के ये 2 होगा, आंसर 2 है जनाब, ऑप्शन है इसमें बी। 133, क्वेश्चन नंबर 133 में क्या है, साइंटिस्ट जिसने इंडक्टेंस पे काम किया वो हेनरी था, इसीलिए तो इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी है, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, बिकॉज हेनरी ने इस पे काम किया, फेराडे ने इस पे काम नहीं किया, तो ऑप्शन है इसमें ए। 133 में ऑप्शन ए ठीक है। 134,
अगर 100 वेबर पर सेकेंड इंक्रीज कंडक्टिव लूप में आ रहा हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? देखो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपको 100 दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है क्योंकि लूप का मतलब है एक टर्न, ओके। और कहा गया है इन अ मैग्नेटिक फील्ड पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब है कि टाइम आपको 1 सेकेंड दिया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, तो एन भी 1 है, टाइम भी 1 है और फ्लक्स चेंज 10 है, इट मीन के द आंसर विल बी 10 वोल्ट। इसमें आंसर आता है 10 वोल्ट और ऑप्शन आता है बी, 134 में हमारे पास ऑप्शन ठीक है बी। वन थर्टी फाइव को सॉल्व करते हैं, तो जनाब 135 हमारे लिए क्या है? इसमें है कि न्यूज़ कंसिडर करो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर करंट जो है वो नॉर्थ की तरफ हो, मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ हो तो फोर्स किस तरफ होगा? देखो, एक स्टूडेंट होगा जो राइट और लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या अरेस्टेड राइट हैंड रूल, बट एक लॉजिक यूज़ करेगा, लॉजिक ईजी है, वो क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म है, वो कहेगा सर हमने पढ़ा है कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों को परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड और करंट को परपेंडिकुलर होगा। अब अगर करंट जो है वो नॉर्थ साउथ वाले लाइन पर है और फील्ड जो है वो ईस्ट वेस्ट वाले लाइन पर है, तो फोर्स के लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा, दोनों को परपेंडिकुलर होने के लिए यही होना चाहिए, तो इट मीन के ऑप्शन में आउटवर्ड होना चाहिए या इनवर्ड होना चाहिए, एक भी नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि परपेंडिकुलरिटी टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह इसमें ओबे नहीं होती, एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 136 से, अगर दो रेजिस्टर्स है, दोनों का रेजिस्टेंस आर है, हम उनको पैरल में कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, तो इट मीन के ये 2 टाइम्स ऑफ 1/R होगा, इसको उल्टा करें तो R/2 यानी 0.5 टाइम्स ऑफ R बनेगा, हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 136 में हमारे पास सी आता है। क्वेश्चन नंबर 137 से, एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स हैं, उनका लेंथ सेम है, उनके क्रॉस सेक्शन एरिया में फ़र्क है, उनमें क्या सेम होगा? सेम रेजिस्टेंस, जब क्रॉस सेक्शन एरिया में फ़र्क हो तो रेजिस्टेंस सेम नहीं होता, सेम कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस सेम नहीं है तो कंडक्टेंस सेम कैसे हो सकता है? दोनों रिलेटेड हैं इनवर्सली। सेम रेजिस्टिविटी, ये ठीक है, क्योंकि मटेरियल सेम हो तो रेजिस्टिविटी सेम होती है, चाहे उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया या लेंथ जैसे भी हो, सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, बिकॉज इट ऑनली डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर, एंड 137 में हमारे पास ऑप्शन आता है सी। क्वेश्चन 138 क्या है? एक बॉडी है जिसका मास m है, दीवार के साथ टकरा गई, इनिशियल मोमेंटम 8 है, व्हाट विल बी इट्स चेंज इन मोमेंटम? तो देखो, इनिशियल मोमेंटम आपको 8 मिला और 8 का मतलब पॉजिटिव मिला, सो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम भी 8 होगा, लेकिन वो माइनस होगा। रीजन, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम टूवर्ड्स वॉल है और फाइनल मोमेंटम अवे फ्रॉम वॉल है, तो अगर इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव है तो फाइनल मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव होगा। अब आप चेंज इन मोमेंटम मालूम करें तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो -8 -8 मीन -16, इसका आंसर होगा -16, एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज इसमें है डी। 138 में आता है डी। क्वेश्चन नंबर 139, डीलिंग क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑफ 2 kg? फिगर आपको दिया है, ये फिगर है और ये आगे का लाइन दिया, एक फोर्स 10 न्यूटन इस तरफ दिया, एक फोर्स 10 न्यूटन इस तरफ दिया, बॉडी का मास 2 kg है, एक्सेलरेशन आप बता दें, एक्सेलरेशन आप बता दीजिए, तो जनाब 10 और 10 है, यहाँ 60 डिग्री के एंगल्स हैं। आप कहोगे सर नेट फोर्स मालूम करो, आसान तरीका है, इसका एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा एक ऐसे, इसका एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा एक ऐसे, ये दो कंपोनेंट कैंसिल कर लेंगे,
ये x कंपोनेंट होते हैं, और x कंपोनेंट हमारे पास होता है f cos of theta, cos of 60, इससे आप पुट करें तो 5 आएगा, you will get 5 न्यूटन, इधर 10 पुट करोगे तो ये 5 न्यूटन आएगा, तो जनाब 5 न्यूटन एक का, 5 न्यूटन दूसरे का, तो हमें नेट फोर्स मिला है 10 न्यूटन, इस फिगर से नेट फोर्स 10 न्यूटन मिला, मास 2 है, एक्सेलरेशन कितना होगा f by m, तो 10 by 2 mean 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 में ऑप्शन ए ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 140, इसमें क्या है, 3 इक्वल मास ब्लॉक्स कनेक्टेड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस इफ दे आर एक्टेड बाय 9 न्यूटन, एक पर कितना फोर्स होगा, जब कनेक्टेड बॉडीज के मास सेम हो तो वो फोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लिहाजा टोटल फोर्स जो है वो 9 है, टोटल तादाद जो है वो 3 है, तो एक को जो फोर्स मिलेगा दैट विल 9/3 मीन 3 न्यूटन, इट्स अ सिंपल वे टू सॉल्व, एंड 3 न्यूटन मीन के ऑप्शन ठीक है जनाब बी। नाउ 141 सेज बुलेट है 100 मीटर पर सेकेंड से फायर की गई, अगर इसने मैक्सिमम रेंज कवर किया तो व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, अ बुलेट फायर विद 100 मैक्सिमम रेंज का मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, वेलासिटी इज 100, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2VI साइन थीटा डिवाइड बाई जी, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 की जगह 2, इसकी जगह 100 साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइड बाय 10 लीजिएगा, तो इट मीन टाइम ऑफ फ्लाइट 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 और 0.707, इससे आप सॉल्व कीजिएगा, बुलेट का आंसर आपको मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल में इससे आंसर आता है 20 है और 0.707 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 70 पॉइंट समथिंग, ये 14 समथिंग आता है, 14.414 आई थिंक यही आता है, कैलकुलेशन प्लीज़ आप खुद कीजिएगा, तो आप 141 का आंसर कैलकुलेट करके मालूम कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है, दो मशीन हैं, सेम वर्क कर रहे हैं, टाइम अलग अलग रहे, 2:3, अगर पहले का पावर 100 है दूसरे का पावर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन का लॉजिक है कि द रेशोज ऑफ पावर इज़ द रिसिप्रोकल ऑफ रेशोज ऑफ टाइम, तो जनाब ये पावर 100 है, ये पावर P2 हमने मालूम करना है, जबकि टाइम का जो रेशो है 2:3 है, बट T1/T2, यहाँ T2/T1 है तो 3:2 के बजाय 3:2 यूज़ करें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 × 100 200 इज इक्वल टू 3 × P2 डिवाइड बोथ हैंड साइड बाई 3, द करेक्ट आंसर इज 66 पॉइंट समथिंग, एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 142 में आता है जनाब बी। क्वेश्चन नंबर 143, द रेशियो ऑफ टार्क ऑन एंगुलर एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ टार्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, टार्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का रेशियो हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, गिवन ऑप्शंस में ए नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देयर फॉर नॉन ऑफ दीज और ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 144, एक चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर इज बिन क्लोज अनदर चार्ज कंडक्टर, चार्ज ऑफ सेम नेचर, दो चार्ज कंडक्टर्स हैं, नेचर सेम है, करीब लाने से पोटेंशियल में इंक्रीज आता है, सिंपल आपको बहुत सिंपल क्लू दे रहा हूँ, जो काम खुद होता हो उससे पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जो काम आपको ज़बरदस्ती करना पड़ता है उससे पोटेंशियल इंक्रीज होता है, सिंपल आपको सेंटेंस बता दिया, जब चार्ज वो काम करे जो वो खुद करना चाहता है तो उससे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और चार्ज वो काम हम उससे लें जो वो खुद नहीं करना चाहता हमें करना पड़ रहा है तो उससे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, सिमिलर चार्जेस खुद करीब नहीं आते हम ज़बरदस्ती लेके आते हैं सो पोटेंशियल इंक्रीजेस, एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 144 में ऑप्शन ए है दैट इज इंक्रीजेस। 145, टू बॉडीज पॉजिस 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन चार्जेस 1 मीटर अपार्ट विल अट्रैक्ट विद फोर्स, बहुत से स्टूडेंट जल्दी में F इज इक्वल टू K Q1 Q2/R² में पुटिंग कर लेंगे और मेरे ख्याल में उनका आंसर भी आ जाएगा K6E², लेकिन
वो नहीं देखते कि सिमिलर चार्जेस हैं, अट्रैक्शन उनका जीरो होगा, रिपल्शन होगा। ये 6ke² इज द वैल्यू ऑफ रिपल्शन। यहाँ अट्रैक्शन की वैल्यू मांगी है, सिमिलर चार्जेस डज नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, देयरफॉर द आंसर इज 0 न्यूटन एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 145 में हमारे पास ऑप्शन सी आ रहा है। नाउ टर्न टू क्वेश्चन नंबर 146। की डिस्कशन हो रही है। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका ओरिजिनल इनिशियल प्रेशर P/2 है, उसका वॉल्यूम V है, हमने वॉल्यूम डबल करके 2V कर दिया, तो प्रेशर में चेंज कितना आएगा? आप इतना जानते हो कि जब वॉल्यूम डबल हो जाए आइसोथर्मली तो प्रेशर क्या हो जाता है, वो हाफ हो जाता है। यानी प्रेशर यहाँ P/2 था, अब कितना होगा? तो कहो सर P/2 को एक बार फिर 2 पे डिवाइड करो, क्योंकि P/2 तो पहले से था, अब P/2 / 2 होगा, सो इट विल बिकम P/4। पर इन्होंने आपसे कहा कि इसमें चेंज कितना आएगा, तो इससे ये माइनस कर दो, दैट विल बी द चेंज इन प्रेशर, तो P/2 - P/4, अगेन यू विल गेट P/2, हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज P/2। और इसमें करेक्ट आंसर P/2 है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है? 20 जूल का हीट हमने सिस्टम को दिया आइसोकोरिक के लिए, तो बताओ इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा? आइसोकोरिक में वर्क डन नहीं होता, और जब वर्क नहीं होता तो जितना हीट दोगे वो चेंज इन एनर्जी में आएगा, लिहाजा द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट विच विल बी इक्वल टू 20 जूल एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 147 में ऑप्शन ए आता है। 148 को ट्रेस करें। वन लूप रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इन अ स्ट्रिंग इज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर स्ट्रिंग इज 2V/2L एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 148 में ऑप्शन आता है बी। 149 में क्या होगा? 149 इंप्लाइज द फैक्ट दैट व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स लिसनर, जब टुवर्ड्स की बात आ जाए फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, जब अवे की बात आ जाए तो डॉपलर्स इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। यहाँ टूवर्ड्स हैं, इट मीन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड हेंस 149 में आपके लिए आंसर है ऑप्शन है बी। क्वेश्चन 150 सेज के ऑल थर्मल रेडिएशंस आर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये बात याद रखें कि ऑल ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आर थर्मल रेडिएशंस, बट ऑल थर्मल रेडिएशंस आर नॉट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। वो सारे थर्मल रेडिएशन जो इस कायनात में मौजूद हैं उनमें कुछ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, यानी सारे थर्मल रेडिएशंस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस नहीं हैं, लेकिन जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं वो थर्मल रेडिएशंस में ज़रूर शामिल हैं। सो आसान सी बात कर लेता हूँ, दैट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आर स्पेशल थर्मल रेडिएशंस, थर्मल रेडिएशंस आर नॉट स्पेशल ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सो ये गलत है, फॉल्स। इसमें आंसर है जनाब फॉल्स, ये बात गलत है, और ऑप्शन आपके लिए होगा बी। 151 ट्राई टू सॉल्व 151 वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन लेमन सीरीज, तो 1/λr, लेमन मीन 1 स्क्वेयर और फर्स्ट लाइन मीन के n जो है नेक्स्ट होगा 2 स्क्वेयर, तो 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट LCM 4, इससे आएगा 4 - 1, तो 1/λ इज इक्वल टू आर 3/4। इसको उल्टा कर लें तो लेमडा इज इक्वल टू 4/3r। अब अगर 4/3r इसमें है तो ठीक है, नहीं तो नॉन इसमें भी होगा। 151 में भी ऑप्शन आता है नॉन, लिहाजा द करेक्ट आंसर इज डी। आप एक बार ये कैलकुलेशन ज़रूर चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 152 द रेशो ऑफ एनर्जीज ऑब्टेंड फ्रॉम 1 AMU एंड 1.6 × 10⁻²⁷ kg is, द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज के 1.67 × 10⁻²⁷ ही 1 AMU होता है, तो आप 1 AMU मास लो या इतने kg मास लो तो ये इक्वल मास होंगे, और इक्वल मास से इक्वल एनर्जी बनेगी, तो उनका रेशो 1:1 ही आएगा, लिहाजा द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 152 में ऑप्शन ए आता है। 153 क्वेश्चन इज अंडर डिस्कशन।
इलास्टिसिटी ऑफ ए मटीरियल रिप्रेजेंट, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने कल कमेंट्स किए थे, इवन नंबर मैंने देखे थे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे सेंड किए थे, कुछ क्वेश्चंस कहा कि आउट ऑफ सेलेबस आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ दो बातें कर रहा हूँ। हमने इससे पहले डायग्राम में वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन वो तो एक्सेलरेशन के लिए उठाए थे, और एक्सेलरेशन सेलेबस में है और वेक्टर नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन का ताल्लुक वेक्टर से था। हमने दो तीन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें वेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो अलग टॉपिक से हैं। अब इलास्टिसिटी सिर्फ फिजिक्स ऑफ सॉलिड में नहीं है, अगर आप देखो तो साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का प्रोपगेशन मीडियम में इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात देखें तो सिर्फ फिजिक्स ऑफ सॉलिड में आपको नहीं मिलता, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ये कम्बिनेशन आपको मिलता है इलास्टिक मॉडुलस में, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये कम्बिनेशन आपको मिलता है लैपलास करेक्शन में, स्ट्रेस और स्ट्रेन की ये बात आपको न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड में भी मिलता है। तो मतलब फिजिक्स की एक खास आद बात सिर्फ एक चैप्टर तक महदूद नहीं होती, इसमें हो सकता है कि एक आद क्वेश्चन ऐसा हो जिसका डायरेक्ट लिंक आपके सिलेबस से ना हो, बट इनडायरेक्ट वो लिंक ज़रूर होता है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये तो प्रिपरेशन टेस्ट है, आप लोग इसको देखें कि 56 MCQs में से फ़र्ज़ करो 50-52 डायरेक्ट कंसर्न टू सेलेबस हैं, तो उससे खुश होया करें कि हमारी ये प्रिपरेशन हो गई। अगर 3-4 MCQs फ़र्ज़ करो टाइप करने के दौरान या उठाने के दौरान इधर उधर हो जाए, तो ये मामूली सी आटे में नमक के बराबर की गलती, इसको बंदा पिक नहीं करता। आखिरी बात करता चलूँ कि आपका जो NMDTCAT का टेस्ट था पिछले साल, उसका सिलेबस कितनी बार चेंज हुआ आपको याद होगा, और उसके केसेस अभी भी मैं जानता हूँ कि 16 MCQ स्टूडेंट ने सर्कल किए थे कि आउट ऑफ सिलेबस आए थे। तो जो ओरिजिनल टेस्ट है आपका, उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आउट ऑफ सब्जेक्ट्स, आउट ऑफ सिलेबस एक आध क्वेश्चन आ सकता है। सो भाई, तैयारी कर रहे हो, अगर तैयारी में एक आध पॉइंट ज़्यादा ले लिया या ज़्यादा पढ़ लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टोटल 56 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हों तो फिर भी मैं कहूँगा कि ये गलत है, लेकिन अगर एक आध इधर आ गया और उसका भी एक टीचर के साथ बैठ जाए, लिंक बता दूँ, अब कल स्टूडेंट ने इलास्टिसिटी देखी तो फ़ौरन उसके जहन में चैप्टर फिजिक्स ऑफ सॉलिड आता है। पर मैंने आपको ऑरिजिन बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का पूरा पोर्शन आपके सिलेबस में है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की दो तीन बातें इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रही हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के फार्मूले वहाँ यूज़ होते हैं, इस तरह वेक्टर नहीं है सिलेबस में, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वेक्टर से खाली नहीं है, एंगुलर मोशन वेक्टर से खाली नहीं है, कोई चैप्टर ऐसा नहीं जिसमें आप वेक्टर टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करोगे। तो आप क्या ये कहोगे कि आपने वो सिलेबस से उठाया, एक्सेलरेशन का क्वेश्चन वेक्टर से सॉल्व हो सकता है। तो या एक आध अगर फ़र्ज़ करो नहीं भी लिंक हो रहा तो भी कोई बात नहीं, जो लिंक हो रहे हैं उस पर खुश हो जाया करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 153, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल रिप्रेजेंट्स, अब पोजिशन भी रिप्रेजेंट करता है, रिगेनिंग ऑफ स्टेट भी करता है, तो बोथ इसमें आता है बोथ, एंड 153 में हमारे पास आंसर आ रहा है, 153 में आंसर आता है सी। क्वेश्चन है जनाब नेक्स्ट 154 के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सपोर्ट्स, बस यहां स्टॉप करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सपोर्ट्स द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, और वेव नेचर ऑफ पार्टिकल डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में था, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल ना प्लैंक क्वांटम थ्योरी में था, ना स्टेफन ला में था, ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन में था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सपोर्ट्स डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सपोर्ट्स डेविसन एंड जर्मल एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सपोर्ट्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इसके अलावा ये स्टेफन वगैरह को सपोर्ट नहीं करता, नन ऑफ दीज। 154 में आता है नॉन, और नॉन के अलावा इसमें है ऑप्शन डी, 154 में है जनाब नॉन, 154 में डी है। 155 क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक मास फॉर लिक्विड इन्फिनिटी है, क्योंकि लिक्विड्स में स्ट्रेन डिटेक्टेबल नहीं है, तो स्ट्रेस तो हो सकता है, स्ट्रेन जीरो है नहीं है, तो एनीथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी, इट मीन के आंसर है हमारे पास इन्फिनिटी, और ऑप्शन है हमारे पास सी, हाँ सी है, 155 में आता है सी। क्वेश्चन नंबर 156 क्वेश्चन स्टेट्स के 1/2 स्ट्रेस और स्ट्रेन रिप्रेजेंट्स व्हाट, एनर्जी डेंसिटी से इसका यूनिट मिलता है, तो एनर्जी डेंसिटी इससे इसका यूनिट मिलता है, लिहाजा 156 में आपके पास आंसर होगा सी।
156 में भी ऑप्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 157, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव डायमेंशंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, यंग मॉडुलस भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट, सिर्फ स्ट्रेन हैज नो यूनिट। चूंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, लिहाजा इसके साथ हम कहेंगे इसका डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया से नहीं मिलता, और 157 का हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन बी। 158 मैग्नेटिक डोमेन आर प्रेजेंट इन व्हाट? मैग्नेटिक डोमेन आर प्रेजेंट इन फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। मैग्नेटिक डोमेन आर प्रेजेंट इन फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 158 में आता है सी। 159 इसमें क्या है? रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ डायोड इज। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन छोटा, रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन बड़ा, तो द रेशियो विल बी लेस देन वन। ऑप्शन में आंसर है लेस देन वन, और 159 का आंसर है ऑप्शन है सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कह रहा है? फॉर द सेम वर्किंग ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर द बायसिंग मस्ट बी अपोजिट। पीएनपी और एनपीएन के बायसिंग अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट बायसिंग मीन के ऑप्शन बी ठीक है। 160 में हमारे पास ऑप्शन बी ठीक है। 161 जो है इसमें है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डबल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा? तो याद रखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लिहाजा जब ये डबल होगा तो इस पे 1/√2 का चेंज आएगा, एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज बी। 161 में भी बी आता है। 162 क्वेश्चन 162 पार्टिकल विद रेस्ट मास एम नॉट है, रिलेटिविस्टिक मास एम है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये बात याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा रिलेटिविस्टिक एनर्जी एम सी स्क्वेयर माइनस रेस्ट एनर्जी एम नॉट सी स्क्वेयर के बराबर है, लिहाजा सी स्क्वेयर कॉमन ले लें, यू विल गेट एम माइनस एम नॉट। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 162 में आता है ऑप्शन सी। 163 स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, एंड फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन आपके पास बी में है, तो 163 में बी आता है। 164 डायमेंशन ऑफ रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, टाइम से एक तो मिलते ही नहीं, फ्रीक्वेंसी से नहीं मिलते हैं, लेंथ नहीं एल माइनस वन से मिलते हैं, लिहाजा इसमें करेक्ट आंसर है नॉन ऑफ दीज, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट और ऑप्शन डी। 164 में डी था। 165 क्वेश्चन 165 सेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कितने ग्रुप्स हैं स्पेक्ट्रम के? 7। कौन कौन से हैं? माइक्रो रेडियो, रेडियो माइक्रो, इंफ्रारेड और विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गेमा रेज। 7 है जनाब, तो इसमें है 7, आंसर 7 है, ऑप्शन है सी। 165 में सी। 166 द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया सॉरी द हाफ लाइफ ऑफ स्टेबल, स्टेबल न्यूक्लियस मीन जो डिके ही नहीं करेगा, तो आपको कयामत तक इंतजार करना पड़ेगा कि उसमें डिके होगा, इट मीन कयामत मीन इन्फिनिटी, देयर फॉर द हाफ लाइफ ऑफ स्टेबल एलिमेंट्स इज इन्फिनिटी, एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 166 हो गया। 167 द डायमेंशनल रेशियो ऑफ डीके एंड डीके कॉन्स्टेंट इज, डीके का कोई यूनिट नहीं होता और डीके कॉन्स्टेंट का इनवर्स रिलेशन है टाइम के साथ, लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इट मीन कि ये टी बनेगा, हिंस द करेक्ट आंसर इज टी, और हमारे पास आंसर ऑप्शन बनता है बी। आप एक बार चेक करें प्लीज। 168 रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ बीटा एंड अल्फा, एयर को रहने दें, बीटा हल्के पार्टिकल हैं तेज जाते हैं, अल्फा भारी पार्टिकल हैं स्लो जाते हैं,
चाहे कोई भी मीडियम हो। इसलिए स्पीड ऑफ बीटा इज ग्रेटर, देयर फॉर द रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। 168 में ग्रेटर देन 1 आएगा, एंड ग्रेटर देन 1 का मतलब है ऑप्शन हमारे पास है सी। 169 हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट 10 मेकिंग 30 टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 वी आई साइन 30 डिवाइड बाई जी, इसको कैंसिल करो इसके साथ क्योंकि 10 वैल्यू है इनिशियल और 10 जी की, ये 0.5, इट मीन राउंड अबाउट 1 सेकेंड, राउंड अबाउट 1 सेकेंड। सारे ऑप्शन ही गलत है, मीटर पर सेकेंड में ऑप्शन गिवन है, तो नॉन इसका बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट आंसर नॉन है और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 169 में डी आता है। नाउ 170, क्वेश्चन नंबर 170, इसमें क्या है जनाब, इसमें है कि 3 ब्लॉक्स हैं, इक्वल मास हैं, उन पर फोर्स लगा है पी, वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन लास्ट ब्लॉक, एक ब्लॉक पर कितना होगा। तो आपको पहले ही बताया जब मासेज इक्वल हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टोटल हमें मिला है फोर्स पी, नंबर हमें मिला है 3, लिहाजा 1 ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा देट विल बी पी बाई 3, देट विल बी पी बाई 3, हेंस ऑप्शन डी ठीक है, इसमें ऑप्शन डी ठीक है। 171, ड्यूरिंग मोशन ऑफ ए बॉडी विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन विच विल बी कॉन्स्टेंट, फोर्स जैसा एक्सेलरेशन वैसा, न्यूटन कहता है लिहाजा एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, जहां एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक वहां फोर्स का कॉन्स्टेंट होना कंपल्सरी है, इट मीन ऑप्शन डी ठीक है। 172 दैट सेज के कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्ट्रेट पाथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम टू एवरेज वेलोसिटी, जब कॉन्स्टेंट मोशन हो तो इंस्टेंटेनियस भी एवरेज के सेम है, 5 सेकेंड के बाद वाली वेलोसिटी भी एवरेज के सेम है और आखिर में भी वेलोसिटी सेम होगी, ऑल ऑफ दीज, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी। 173, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड विद डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकेंड्स, ऊपर से बॉल गिराया गया है तो डिस्टेंस हमें मिलता है 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सॉरी टाइम के लिहाज से हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी हाफ जी, 10 ले लें और टाइम इन्होंने दिया है 10 सेकेंड्स, 9.8 लेते हो या 10 लेते हो, तो ये होगा 100,000, इट मीन 1000 डिवाइड बाई 2 तो 500, चूंकि हमने जी की वैल्यू 10 ले ली, 9.8 नहीं ली इसलिए थोड़ा ज़्यादा आया, तो इसके करीब लेकिन इससे थोड़ा कम, द करेक्ट आंसर इज 490 एंड हिंस ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 174 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम एट समिट, हाइट तो मैक्सिमम होता है, मास तो कॉन्स्टेंट होता है, वेलोसिटी इज मिनिमम, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी समिट पर पहुंचकर मिनिमम हो जाती है क्योंकि वाई कंपोनेंट ख़त्म और एक्स कंपोनेंट जो है वो बरकरार रहता है, वेलोसिटी इज मिनिमम, हिंस द ऑप्शन सी इज करेक्ट। 175, क्वेश्चन नंबर इज 175, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी डिपेंड्स अपॉन, आगे नहीं पढ़ता, जी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है और किसी चीज़ पर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, तो नॉन ऑफ दीज, जो कुछ भी होगा नॉन ऑफ दीज, द करेक्ट आंसर इज नॉन, द करेक्ट ऑप्शन इज डी। 176, ओके 176, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन सर्फेस ऑफ अर्थ इज, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला याद रखिए कि वेट डिवाइड बाय मास, तो चाहे इस तरह हो तो भी ठीक है, एम जी बाय एम हो तो जी भी लिख सकते हो, लेकिन डब्ल्यू बाय एम ऑप्शन में है तो डब्ल्यू बाय एम, यानी ऑप्शन सी ठीक है। 177, 46 न्यूटन है, हॉरिजेंटली स्टेशनरी मास 2 kg है फॉर 4 सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी इन जाउल्स क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर है, अब हमें v मालूम करनी है यानी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मास तो हमें गिवन है, मास हमें 2 kg गिवन है, तो 2 and 2 कैंसिल, इट मीन कि सिर्फ फाइनल वेलोसिटी मालूम करो, इसमें पुट करो आपको काइनेटिक एनर्जी मालूम हो जाएगी। अब वेलोसिटी मालूम करने के लिए vf इज इक्वल टू vi प्लस at लिख सकते हैं, vf इज इक्वल टू vi तो 0 है, स्टेशनरी कहाँ है,
एक ही जगह f by m ले सकते हैं, साथ में t है, तो vf एफ इज इक्वल टू जीरो, खत्म कर दें, ये 6 है, ये 2 है, और टाइम कितना दिया है जनाब, 4 सेकेंड्स। इट मीन ये और ये कैंसिल 2, तो 12 आता है, 12 का स्क्वायर ले लें तो 144 जॉब्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 178। क्वेश्चन 178 क्या कहता है, टार्क प्रोड्यूस बाय सेंट्रिपिटल फोर्स, चूंकि सेंट्रिपिटल फोर्स का मोमेंट आर्म जीरो होता है, और जिस फोर्स का मोमेंट आर्म जीरो होता है उसका टार्क भी जीरो होता है, तो इसमें से जीरो मेरे ख्याल हाँ है, ऑप्शन डी ठीक है। 179, दो सेटेलाइट्स हैं, मासेस मुख्तलिफ हैं, एक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, क्या सेम होगा, स्पीड सेम होगा क्योंकि एक ऑर्बिट में एक स्पीड होता है, डिफरेंट स्पीड्स गलत है, सेम मोमेंटम गलत है क्योंकि जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम, नॉन गलत है, इट बीन ऑप्शन ए ठीक है, बोथ विल मूव विद द सेम स्पीड। 180, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, अगर पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है 0.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से तो उसका लेंथ कितना होगा, मुझे लेंथ की वैल्यू डायरेक्ट याद नहीं है, आपको हिंट बता रहा हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है इसका मतलब है कि टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, और 2 सेकेंड का टाइम पीरियड इसमें पुट करें 2 पाई एल ओवर जी सेकेंड्स पेंडुलम है, तो यहाँ 2 पुट करें, एल के लिए एवलुएट करें, जहन में जैसे आता है तो या 80 सेंटीमीटर है या 90, कह नहीं सकता कि ये है क्योंकि मुझे वैल्यू याद नहीं है, आई एम सॉरी टू से, थैंक यू वेरी मच, खुश रहे जी, अल्लाह हाफिज़।